मतलब जो है, जो ऑप्शन ग्रीक्स है, ग्रीक्स का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट है। डेल्टा एक रहता है, थीटा, गामा, वेगा वगैरह हम लोग जो बात करते हैं, इसमें से डेल्टा जो है ये बताता है कि फॉर एवरी 1 रुपी मूव इन द अंडरलाइन, ये हमारा ऑप्शन प्राइस कितना मूव होगा। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और इलन मार्केट्स का, और क्यूरेटर इंडिया का सबसे बड़ा फिनेंस पॉडकास्ट फेस टू फेस का। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे फिर बात करके एक और फ्राइडे में। इस सेशन को लाके मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। आई डोंट नो आपको कैसी एक्साइटमेंट होती है। एवरी वीक मैं जब आता हूँ आपको कैसा मजा आता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एवरी फ्राइडे 5 बजे एक मूवी रिलीज हो रही है, और एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, गुदगुदी सब कुछ होती है मेरे अंदर में, क्योंकि आपको कुछ देने का जो पैशन है, जो प्यार है, जो जज्बा है, वो इतने टाइम से मेरे अंदर है और चले आ रहा है। आई थिंक तकरीबन 215 हो गए। मैं एक्चुअली गिनना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि गिन के क्या होगा, मुझे तो करते रहना है ये जब तक है जान। तो आज के फेस टू फेस में एक और आम आदमी को लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही एबनॉर्मल काम कर रहे हैं। फेस टू फेस एक सिर्फ स्ट्रेटजी शेयरिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये इंस्पिरेशन लेने वाला प्लेटफॉर्म है। ये आम आदमियों की कहानी है, जिनको कभी भी बड़े मेन स्ट्रीम टीवी ने कवर नहीं किया, लेकिन हम कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप उन सबसे मिले जो एक्चुअल में मार्केट में बैठ के पैसा कमा रहे हैं और आपको इंस्पायर करें। तो आज हमारे साथ जो जुड़े हैं वो रहे हैं सेलर, 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 समझ गया ना, जो जहाज में घूमते हैं पूरे दुनिया भर में। तो वो रहे हुए सेलर 25 साल से, और अपने 45 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट घोषणा कर दी, और उसके बाद से फुल टाइम ट्रेडर लगे हुए हैं। और ट्रेडिंग सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं करते, उन्होंने जर्नी चालू की ग्लोबल मार्केट्स की ट्रेडिंग से, और अब इंडियन मार्केट में भी ट्रेडिंग करते हैं, और क्या जबरदस्त ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आम आदमी की कहानी सुनने का शौक है और ट्रेडिंग उनसे सीखने का शौक है, तो ये वीडियो है। और आपको पता है लंबा चलेगा, क्योंकि मैं छोटा वीडियो नहीं बनाता हूँ, एंटरटेनमेंट नहीं देता हूँ, बोरिंग लेकिन बहुत इफेक्टिव वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए इनवाइट करते हैं शरत जी को, जो सेलर रहे हुए हैं और ट्रेडिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं। हल्लो हल्लो, कैसे हैं शरत जी? नमस्कार विवेक जी, थैंक नमस्कार सर। यू फॉर हैविंग मी इन दिस शो। बहुत बढ़िया लग रहा है, मुझे बहुत बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगना ही चाहिए, आप अच्छे हैं तो अच्छा लगना ही चाहिए, है ना। आप हाँ सर, फेस टू फेस में आए हैं, मैं सौभाग्य हमारा कि आपने मौका दिया हमको कि हम आपकी स्टोरी आपसे ले सकें, और बहुत सारे मेरे जो लर्नर्स हैं उन तक पहुंचा सकें। तो ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपके और हमारे लर्नर्स के बीच में, एंड लेट मी जस्ट स्ट्रेट अवे गेट इन टू यू। आपका बैकग्राउंड बताइए थोड़ा और डिटेल में, और कैसे आपने अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को एक अच्छा प्रोडक्टिव मनी मेकिंग जर्नी में कन्वर्ट किया है। अगर आप चाहें तो आप पीपीटी अभी से यूज कर सकते हैं, बिकॉज आपने प्रेजेंटेशन में भी अपने बारे में लिखा है, या आप पहले अपने बारे में बता दीजिए, फिर उसके बाद पीपीटी पे चलेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ सर, तो मैं आई बिलोंग टू ओडिशा। प्रेजेंटली मैं अभी मुंबई में रह रहा हूँ। तो ओडिशा में मैं 12th तक था, उसके बाद से मैं बाहर ही घूम रहा हूँ। तो मैंने एक प्रोफेशनल कोर्स किया बेंगलोर आकर, फिर उसके बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया एज ए रेडियो ऑफिसर एट द एज ऑफ 20। फिर उसके अपग्रेडेशन 4-5 साल के बाद करके फिर मैं ETO बना, और उसके बाद मैं 25 साल जहाज में काम किया, बहुत तरह के शिप्स में काम किया। फिर मर्चेंट ने भी छोड़ा मैंने एट द एज ऑफ 45 अराउंड 2016। उसके बाद से मैं कंप्लीट फुल टाइम ट्रेडर बना हूँ। और जैसे ही मैंने अपना ट्रेडिंग छोड़ा, उसके बाद से मैं योगा प्रैक्टिस वगैरह करना शुरू किया, योगा क्लासेस करना शुरू किया, और मैं योगा टीचर भी हूँ। ओके तो मैंने
अभी जैसे मार्चे ने भी छोड़ा, तो फिर मैं कैसे ट्रेडर बना उसके बारे में मैं आपसे बोलना चाहूंगा। जब भी मैं मच्छर नबी में था तो भी क्या होगा कि मैं हमेशा चाहता था कि कैसे जल्दी से जल्द हम किनारे मतलब ऐशोर सेटल कर सकें। तो उस सिलसिले में मैं हमेशा सोचता रहा, पर कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था मुझे। एक बार हमारा जहाज ड्राई डॉक रिपेयर के लिए सिंगापुर आया था, तो उस समय मैंने एक न्यूज़पेपर में एक एड देखा, एक ऑप्शनेटिक्स इनकॉर्पोरेटेड यूएसए का एक एड देखा, जिसमें कि उन्होंने एक फ्री ऑप्शन सेमिनार, ट्रेडिंग सेमिनार रखा था। तो मैं जाके वहां पर अटेंड किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वो जहाज से साइन अप के बाद मैं अपने पैसे, खुद के पैसे से फिर सिंगापुर जाके मैंने उनका पेड कोर्स भी किया, और फिर मेरा वहां से ट्रेडिंग जर्नी शुरू हो गया। ठीक है सर। फिर जब भी मैं क्योंकि मैं मार्चे नेवी में बिलोंग करता हूँ, और हमारे पूरे खानदान में, हमारे फैमिली में किसी का भी किसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड तो छोड़ो, कोई बिजनेस का है नॉलेज था, तो इसलिए मुझे शुरू में काफी तकलीफ हुआ सीखने के लिए फाइनेंशियल मार्केट्स का। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी, बट मैंने धीरे धीरे सीखना शुरू किया। किताब वगैरह पढ़ के, ई बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज पेपर्स, फिर वीडियो सेमिनार्स वगैरह अटेंड करके मैंने सीखना शुरू किया। फिर लास्ट जब भी मैंने जर्नी शुरू किया, तो मैंने पहले ऑप्शनेटिक्स इनकॉर्पोरेटेड यूएसए से सीखा, तो इसलिए मेरा ट्रेडिंग जर्नी भी शुरू हुआ यूएस मार्केट से। और मैंने यूएस मार्केट में मैंने ट्रेडिंग अकाउंट खोला, और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस था ट्रेडिंग अकाउंट खोलना वहां पर। और एक तरह से यूएस मार्केट जब मैं ट्रेड कर रहा था, 4-5 साल मैंने ट्रेड किया बिफोर आई क्विट, तो वो मेरे लिए काफी बहुत, मैं कहूंगा कि इट वॉज लाइक अ ट्रेडर्स पैराडाइज फॉर मी। ओके, क्योंकि वहां पे सारा ट्रेड स्ट्रेटेजी, सब तरह का स्ट्रेटेजी का, मंथली कैलेंडर स्ट्रेटेजी, दूर दूर का लीप ऑप्शन से जाएगा, जिसको हम लॉन्ग टर्म ऑप्शन बोलते हैं, वो सब हाई लिक्विडिटी रहता है और अच्छे से कर सकते हैं वहां पर। और उस समय की कंपैरिजन में जो हमारे इंडियन मार्केट में जो ब्रोकरेज था, वहां पे ब्रोकरेज ऑलमोस्ट 1/10 था डॉलर का जो एक्सचेंज रेट था उस हिसाब से। फिर और भी काफी अच्छे अच्छे प्रोसेस, काफी अच्छे अच्छे फीचर्स थे जो कि आज भी हमारे मार्केट में नहीं दिखते हैं, जैसे मल्टी लेग ट्रेड्स विथ वन कॉम्बो प्राइस। ओके, आजकल वो अल्गो के साथ वो देते हैं और चार्ज भी करते हैं, पर ये करीब 2 डिकेड पहले वहां पे था ये। और इवन लाइक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर, ये करीब आप 3 महीना तक आप सेट कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर, और छुट्टी में जा सकते। इस तरह के फीचर्स काफी अच्छे थे और बहुत अच्छा चलता था, ऐसी बात नहीं। फिर लेकिन मुझे वो टाइम सूट नहीं हुआ आगे जाके, क्योंकि वो रात को फिर जागना रहता था, वो फिर सूट नहीं, तो फिर मैंने वो ट्रेडिंग वहां धीरे धीरे बंद किया। फिर मैं बीच में फिर करेंसी मार्केट में मैं आया, करेंसी में, इंटरनेशनल करेंसी मार्केट, नॉट इंडियन करेंसी मार्केट, इंटरनेशनल करेंसी मार्केट। तो आप क्या ये तो कैसे कर पा रहे थे? आप एनआरआई थे क्या जब आप सेलिंग करते आई थे? वॉज यस जहाज में मैं 25 ईयर्स एनआरआई था। व्हेन आई क्विट आई वॉज एनआरआई। ओके सो ओके पूरा पूरा जर्नी जो मेरा मचने में रहा, मैं टोटल टाइम एनआरआई ही था, तो गॉट इट गॉट इट इसलिए शायद बट मुझे तकलीफ होता था, वो मैं फिर बोलता हूँ आपको। अभी दूसरा चीज क्या हुआ कि जब भी मैं करेंसी मार्केट कर रहा था, मुझे वो इतना शॉर्ट नहीं हुआ, इसलिए कि वो 24 आवर्स मार्केट था, और जब भी मैं सोने जाता था मार्केट इधर उधर जाता था, फिर प्रॉब्लम होता था। फिर मैंने करेंसी ट्रेडिंग भी बंद किया, देन आई स्विच टू इंडियन मार्केट। आई उस समय थोड़ा सा लिक्विडिटी भी आ गया था अपना इंडियन मार्केट में, ऑप्शंस वगैरह में, तो मैंने फिर इंडियन मार्केट में खोला। बट उस समय भी मैं जहाज में ही काम कर रहा था, तो मेरा जहाज में क्या, 2/3 टाइम मेरा जहाज में ही चला जाता था, सिर्फ 1/3 टाइम घर पे होता था, तो ट्रेडिंग इतना जमता नहीं था। इट वॉज क्वाइट ऑन एंड ऑफ, इतना जमता नहीं था। फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी इशू था, तो वो प्रॉब्लम होते थे, बट फिर भी इस सब प्रॉब्लम होते हुए भी मैंने अपना लर्निंग्स बंद नहीं किया, कंटिन्यूस लर्निंग करता रहा मैं, ये उम्मीद करके कि आगे चल के चलो मिलेगा शायद मुझे करने को, फिर मैं अपना देख सकूं कैसा अपना ट्रेडिंग परफॉर्मेंस हो रहा है इसे कर। फिर 2012 से लेके 2016, उस समय मेरे को अच्छा इंटरनेट फैसिलिटी मिला जहाज पर, जिसमें कि मैं करीब 4-5 साल में कर सका।
कंसिस्टेंटली, मतलब जहाज में भी ट्रेड कर पा रहा था और घर पे भी। तो वो ट्रेड करने से फिर मुझे पता चला कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा रह रहा है, और ये 5 साल मैंने कंसिस्टेंटली प्रॉफिट ही किया और अच्छा प्रॉफिट भी किया। तो उससे फिर मुझे कॉन्फिडेंस हुआ कि ओके मैं छोड़ सकता हूँ। फिर भी मेरा उसमें प्लान नहीं था छोड़ना, फिर कुछ सिचुएशंस आए कि मुझे फिर लगा कि ये राइट टाइम है छोड़ना। तो फिर मैंने 2016 में मैंने क्विट किया। दैट टाइम आई वाज अराउंड 45। फिर बट इवन छोड़ने के बाद फिर मैं जब घर पे रहा 24 घंटा, फिर उस समय भी एक्चुअली स्पीकिंग आई वाज नॉट स्टिल अ फुल टाइम ट्रेडर। मैं पार्ट टाइम ही करता था क्योंकि मैं मेरे कुछ दूसरे एक्टिविटीज भी रहते थे, तो उसके लिए मैं फुल टाइम नहीं कर पाता था, तो मैं पार्ट टाइम ही था। तो फिर मैं फुल टाइम ट्रेडर कैसे बना, इट इज बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन। कोविड लॉकडाउन ने काफी लोगों का जीने का शैली बदल दिया है, वो मेरा भी कुछ हद तक बदला है। जब भी कोविड आया तो लॉकडाउन हुआ तो बाहर नहीं निकल सकते। उससे पहले मैं काफी घूमता था करता था, फिर वो सब बंद हो गया। जब भी फिर मैं फुल टाइम ट्रेडर बन गया बाय डिफॉल्ट। जब भी फुल टाइम ट्रेडर बना तो फिर प्रॉफिट भी और ज्यादा आने लगे, ट्रेड भी और अच्छे होने लगे। फिर मैं उस समय जो ट्रेड करता था और आज भी जो ट्रेड करता हूँ उसमें मैंने काफी तरह के स्ट्रेटेजीज जो यूज करता हूँ वो मोस्टली कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी वगैरह नहीं है, सिंपल स्ट्रेटेजीज ही रहता है मेरा। जैसे स्ट्राडल, स्ट्रैंगल, आयरन कंडोर, बटरफ्लाइज, या वो कौन सा ट्रेड कब क्या करना है वो डिपेंड करता है विक्स के ऊपर, टेक्निकल, इंट्राडे, न्यूज फ्लो क्या है, डेटा क्या बोलता है। ओके एंड वैसे इंट्राडे में मैं करता हूँ जब भी इंट्राडे और स्ट्राडल वगैरह, तो मेरा टारगेट रहता है 15 से 25 पॉइंट एट द मोस्ट इन द बैंक निफ्टी, वेदर टारगेट और स्टॉप लॉस इट इज अराउंड दैट। अगर 2 बार 3 बार मेरे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो फिर मैं आई क्विट फॉर दैट डे, आई डोंट डू एनी मोर इंट्राडे। शरद जी, हम लोग आपके स्ट्रैटेजीज पे डिस्कशन करेंगे, अपनी पीपीटी आपने बनाया है उसको लेके। पर मोटा मोटी आपके बारे में एक चीज समझ में आ गया है कि आपने घाट घाट का पानी पिया हुआ है, उसके बाद आप में हिम्मत आई है कि अब आप इस समुन्द्र के किनारे बैठ के लोते लगा रहे तो चलिए आपकी पीपीटी ले लेते हैं और वहां से आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है, बिकॉज शरद भाई जो है वो मतलब डू इट, अपने खुद करके, कर्मठ योगी जो कहते हैं कि खुद करके उन्होंने ये चीज सीखा है। मल्टीपल मार्केट का एक्सपोजर लेके इंडिया में आए हैं, ऐसे नहीं है कि इंडिया में चालू हो गए सीधा, तो और विजडम्स काफी है उनका। और मैंने देखा, मेरा एक दोस्त है वो भी सेलर रहा हुआ है, मैंने देखा है सेलर्स लोग है ना अलग ही सोच रखते हैं, इनमें डिसिप्लिन और इनमें वर्किंग इतनी इतनी रिग्रेस होती है, तो इनसे सीखने का बहुत कुछ है। प्लस ये योगिक टीचर है, तो आज बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है दोस्तों। ज्यादा टाइम नहीं चलेगा, 1 घंटे का ही रखेंगे, कोशिश करूंगा ताकि आपका छोटा ही समय लगे, लेकिन इसमें समय में मिलेगा हमको बहुत कुछ, तो आप प्लीज फोकस करिएगा और जितना ले सके लीजिएगा। चलिए शरद जी चालू करते हैं। जी जैसे कि मैंने देखा सर, आपने पीपीटी का टाइटल मैंने रखा है योगिक जर्नी ऑफ योगिक ट्रेडर हु क्विट मर्चेंट नेवी। मैं इसलिए योगिक ट्रेडर कहता हूँ कि क्योंकि जब से मैंने योगा किया है तो मेरा पूरा स्ट्रेटेजी, मेरा जो ट्रेडिंग करने का स्टाइल ही एकदम बदल गया और मैं प्रॉफिटेबल होने लगा। तो मेरा जहाँ तक सक्सेस का सवाल है इस ट्रेडिंग कैरियर में, पिछले 1 दशक से ज़्यादा कर रहा हूँ मैं, ये काफी हद तक इसी को ही जाता है, योगी प्रैक्टिसेस जो मैं करता हूँ। तो सर ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज जो है मेरा, कुछ स्ट्रेटेजीज ये एम्प्लॉय करता हूँ, जैसे स्ट्राडल, स्ट्रैंगल वगैरह, और जैसे मैंने बताया वो स्टॉप लॉस वगैरह, टारगेट वगैरह मैंने 15 से 25-30 पॉइंट तक रखता हूँ, और निफ्टी में 7 से 10 पॉइंट एट द मोस्ट रहता है। और जैसे कि 2-3 बार अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस है जो भी है, फिर उस दिन का इंट्राडे बंद, क्योंकि मेरा मोस्टली जो ट्रेडिंग है पोजिशनल में ही रहता है। और या मेजोरिटी हमारा क्या है, वीकली एक्सपायरीज जो रहते हैं, 3 वीकली एक्सपायरीज आते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी का थर्सडे को, फिर फिंग निफ्टी का ट्यूसडे को, और सीडीएस यानी कि करेंसी का फ्राइडे को आता है। तो ये 3 वीक एक्सपायरी के लिए मैं काफी एक्टिव रहता हूँ। तो सर मेरा फेवरेट, ऐसे तो स्ट्रेटेजी में काफी कुछ करता हूँ डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जैसे मैंने बताया।
बट मेरे एक अच्छा ही फेवरेट स्ट्रेटेजी है, वो है डेबिट स्प्रेड स्ट्रेटेजी। डेबिट स्प्रेड स्ट्रेटेजी इसीलिए मेरा फेवरेट है कि ये काफी वर्सेटाइल रहता है और काफी की सिचुएशन में इसको कर सकते हैं। इसमें जो एडजस्टमेंट्स करके हम या तो छोटा लॉस या कुछ गेन में निकल सकते हैं, अगर ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी। तो ये इसलिए मेरा ये फेवरेट स्ट्रेटेजी रहता है। और ये स्ट्रेटेजी जो है छोटा सा कैपिटल में भी कर सकते हैं, एटलीस्ट 1 लॉट कर सकते हैं, अगर 2 लाख का कैपिटल है तो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है, तो हम इसको ऑप्स्ट्रा में देखेंगे। इसका बेसिक रूल पहले समझ लेते हैं। बेसिक रूल ये है कि मैं 50 डेल्टा का बाई करता हूँ और 35 डेल्टा का सेल करता हूँ। तो ये डेबिट स्प्रेड, इसलिए डेबिट स्प्रेड कि हम हमारे जेब से पैसा जाता है, इसे हमारे अकाउंट से पैसा जाता है, इसलिए डेबिट स्प्रेड है। तो जो गेन, जो डेबिट में जो गेन और लॉस है, सर गेन शुड बी मोर देन द लॉस परसेंटेज। शरद भाई एक चीज है कि ये डेल्टा जो है, एक बार इसको थोड़ा सा आप आसान भाषा में समझा दीजिए, 50 डेल्टा और 35 डेल्टा मतलब क्या हुआ, और आप चाहे तो आप ऑप्स्ट्रा खोल के या कुछ कहीं दिखा भी सकते हैं। सर डेल्टा जो है, जो ऑप्शन ग्रीक्स है, ग्रीक्स का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट है। डेल्टा एक रहता है थीटा गामा वेगा वगैरह हम लोग जो बात करते हैं, इसमें से डेल्टा जो है ये बताता है कि फॉर एवरी 1 रुपी मूव इन द अंडरलाइन, ये हमारा ऑप्शन प्राइस कितना मूव होगा। तो अगर 50 डेल्टा है, इसका मतलब अगर अंडरलाइन 1 रुपया मूव हुआ तो ये हमारा 50 पैसा मूव होगा। ओके ठीक है। 35 डेल्टा सिमिलरली, अगर 1 रुपया अंडरलाइन मूव हो रहा है तो हमारा ये 35 पैसा मूव होगा। तो ऐसा इसको समझना है सिंपल भाषा में। तो ये हमारा ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 50 डेल्टा 35 डेल्टा ही होना चाहिए। देयर आर मेनी पीपल हु डू इन अ डिफरेंट वेज, बट दिस इज द वे आई फॉलो। वी कैन डिस्कस दिस एंड वी कैन सी स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन दिस। ओके, दो चीज हो सकते हैं हम ट्रेड लेने के बाद कि हमारा व्यू सही गया और ट्रेड अच्छा रहा, या तो फिर हमारा व्यू रॉन्ग हो गया और ट्रेड गलत चला गया। तो दोनों इसमें खासियत ये कि दोनों सिचुएशन में एडजस्टमेंट का जरूरत है। इवन व्हेन द व्यू गोस राइट, स्टिल एडजस्टमेंट इज नेसेसरी। व्यू गोस रॉन्ग, ऑफ कोर्स यू हैव टू डू एडजस्टमेंट। व्हेन व्यू गोस राइट आल्सो वी हैव टू डू एडजस्टमेंट्स। सो हम ओके हम कभी जब भी हम हाँ एक चीज जब भी हम व्यू राइट जाते हैं और एडजस्टमेंट करते हैं, हमारा नॉर्मली हम जब एडजस्टमेंट करते हैं तो हमारा फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, जब भी हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं डेबिट स्प्रेड ट्रेड, ये करीब 22-25 हज़ार कुछ जाता है मार्जिन। और तो एडजस्टमेंट जब भी हमारा व्यू राइट जाते हैं एडजस्टमेंट करते हैं तो मार्जिन हमारा बढ़ता नहीं है। तो हमने यहाँ पे मैक्स 30,000 लिखा है टू बी ऑन द सेफ साइड, बट 30,000 तक भी नहीं होता है और मार्जिन हमारा बढ़ता नहीं है, रिक्वायरमेंट बढ़ता नहीं है जब भी हमारा व्यू राइट जाते हैं हम एडजस्ट करते हैं। लेकिन जब भी हमारा व्यू रॉन्ग जाते हैं एडजस्टमेंट करेंगे तो भी हमारा फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, लेट से अबाउट 5 टाइम्स बढ़ जाएगी। हाँ, तो 1.5 लाख करीब मार्जिन 1 लॉट का लेके हमें करना चाहिए। हमारे पास सपोज 2 लाख है, इसका मतलब नहीं है कि हम 10 ट्रेड डाल देंगे। ठीक है, 20-20 हज़ार का ऐसा 10 ट्रेड भी डाल सकते हैं 2 लाख में, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर 2 लाख है तो 1 लॉट का ही लेने का, क्योंकि हमारे पास कुछ कैपिटल होना चाहिए एडजस्टमेंट बाद में। जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं तो हमें पहले ये सोच के चलना है कि हमारा ट्रेड गलत हो सकता है, और वो गलत जब भी होता है तो हमें एडजस्टमेंट का जरूरत पड़ सकता है। फिर हम कैसे वो या तो छोटा लॉस में या फिर छोटा सा प्रॉफिट में हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो इसलिए हमें एडिशनल मार्जिन का जरूरत है जब भी लॉस होता है। तो ओके, तो जब भी हम तो हम पहले तो हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें कि ट्रेड हमारा रॉन्ग गया। ठीक है, सपोज ऊपर ऊपर जा रहा है बैंक निफ्टी में हम ट्रेड लेंगे तो हम पुट साइड का और डेबिट स्प्रेड ले लेंगे, सो दैट व्यू गोस रॉन्ग। और जब भी हम कभी हम एडजस्टमेंट शुरू करेंगे जब भी जाता है तो फिर हम जब भी सेल लेग प्रीमियम आधा हो जाता है, जो भी प्रीमियम रहेगा सेल लेग प्रीमियम उसका जब आधा हो जाता है तभी हम एडजस्टमेंट शुरू करेंगे जब भी हमारा व्यू रॉन्ग चला जाता है। ठीक है, ओके। तो जब भी हमारा व्यू रॉन्ग चला जाता है और हमें एडजस्टमेंट शुरू करना है, एडजस्टमेंट शुरू करने से पहले हमको चार्ट चेक करना पड़ेगा।
चार देखना पड़ेगा कि कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है कुछ है, क्योंकि एडजस्टमेंट करने के बाद उल्टा ना पड़ जाए। आपने एडजस्टमेंट करके तो रिस्क फ्री बना रहे हो, बट फिर उल्टा भी मार्केट घूम सकता है और फिर आपका एडजस्टमेंट फिर बिगड़ जाए। तो आप एडजस्टमेंट करने से पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस या जब आपने प्राइस एक्शन का कुछ लाइन खींचा होगा कुछ, वो फिर देख के करना है, ठीक है? तो फिर ओके, तो फिर ये हम ये जो है, जब भी हम एडजस्टमेंट शुरू करते हैं, ये तो हमने बताया कि जब ये हाफ हो जाते सेल लेग प्रीमियम तभी एडजस्टमेंट शुरू करना है। उस समय हम करते क्या है, एक और सेल करते हैं जो कि 35 डेल्टा का, वापस 35 डेल्टा का हम और एक सेल करते हैं, ठीक है? तो अभी ये रेशियो स्ट्रेट बन जाता है ऐसा करने से। अभी क्योंकि एक बाई था पहले से, एक सेल था, एक और हमने सेल किया, तो ये लाडर ट्रेड और रेशियो ट्रेड बन जाता है, ठीक है? तो उस समय हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट थोड़ा बढ़ जाएगा, करीब 1.3 से 1.5 लाख, तो 1.5 लाख का हम मार्जिन चाहिए कम से कम। तो अगर रिवर्सल एक्सपेक्ट हो रहा है तो हम सेल लेग को क्लोज करके उसको ब्रोकन विंग आयरन फ्लाई भी बना सकते हैं टू मेक इट रिस्क फ्री। ओके, सो अगर और भी एडजस्टमेंट्स हैं सो हम लोग देख लेंगे आफ्टर में जाकर, ठीक है? ओके चलिए राइट, ओके, लेट्स गो टू ऑप्शन। ओके सर, ये ऑप्शन सिमुलेटर में हम आ गए हैं। ओके, सो हम आ क्या रिसेंट एक्सपायरी कोई लेते हैं, जैसे 4 मई का एक्सपायरी बैंक निफ्टी में करते हैं हम, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, निफ्टी में भी कर सकते हैं। April 28 to 4 May, ओके सर। सो हमारा उस समय स्पॉट था अराउंड 43,000, तो 43,000 जो भी हमारा 50 डेल्टा का रहेगा, और जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, पहले उससे पहले यहाँ देख लेते हैं सर, मैंने ये ट्रेडिंग व्यू खोल के रखा है 28 अप्रैल को, जैसे मार्केट ऊपर गया सर, तो हम पुट का लेके चलेंगे सो दैट आवर व्यू गोज रॉन्ग, सो एंड देन वी सी द एडजस्टमेंट्स। ओके, सो पुट का 50 डेल्टा हम बाय करेंगे। दोस्तों ये जो कॉलम है, ये 50 डेल्टा का कॉलम है, तो ये डेल्टा हम 50 का देखेंगे, सो दिस इज 49.54 डेल्टा, सो 43,000 हम बाय करेंगे। बाय हो गया, 30 अराउंड 35 का नहीं है, तो 43.4942 42,700 का हम एक सेल करें। और यहाँ पे जैसे हमेशा ये जो प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा रहना चाहिए, मैक्स लॉस 1:1 या और शुड बी मोर देन दैट। ओके, सो अभी हम इसको बैक टेस्ट करते हैं सर। थर्टी थर्टी मिनट्स में आगे कर रहा हूँ, अभी देखिए इनिशियल तो प्रॉफिट दे रहा है। यहां से अभी शुरू हो गया लॉसेस का। पंद्रह पंद्रह मिनट चलते हैं, सॉरी सर मैं बोलना भूल गया, यहाँ पे हम P&L में आकर प्राइस देखना चाहिए, करंट प्राइस क्या है। तो जैसे हमने बताया था स्लाइड में कि जो सेल स्ट्राइक है उसका 50% प्रीमियम हो जाएगा, फिर हम शिफ्ट करेंगे। तो अभी 162 हमारा एंट्री प्राइस था, तो ये लगभग 81 होता है, तो 81 एग्जैक्ट तो हमें नहीं मिलेगा, आगे पीछे करके देख लेते हैं। नहीं, तो ये 76.8 हमारा ये एडजस्टमेंट अभी शुरू हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट के लिए हमने बोला था कि हमें और एक लेग सेल करना है जो कि 35 डेल्टा का, लेकिन 35 डेल्टा देखना है कि
वो 43,000 जो हमने पाई किया है वही ना हो जाए, तो अगर वो है तो फिर उसका नीचे वाला लेना है। जैसे मैंने बोला था सर, 33,000 इज एक्चुअली 35, तो हम ये तो नहीं कर सकते, तो इसलिए हम 4-9 वाला सेल करेंगे। तो ये हमारा रिस्क ग्राफ आ गया है, तो थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो ये देखिए अभी जो आगे का जो हमारा अगर मार्केट ऊपर ऊपर ही जाता है तो हमारा लॉस बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट P&L शोइंग इज 6.25, सो इट्स एज गुड एज जीरो लॉस पे हम निकल सकते हैं। और ये जो रेशियो हमने बनाया है अभी, ये काइंड ऑफ फॉर लैडर स्प्रेड है, इट्स नॉट एग्जैक्टली रेशियो स्प्रेड, इट्स काइंड ऑफ लैडर स्प्रेड। एक 4-7 का सेल है और 4-9 का सेल है, बाद में फिर इसको हम एडजस्ट करके और भी इसमें से प्रीमियम निकाल सकते हैं। ओके, तो ये एक हमारा बट आप तो इसको सर डेल्टा चला इसका है देखिए, इसका सर नेट डेल्टा देखिए या अभी डेल्टा देखते हैं सर ग्रीक्स में, या ग्रीक्स में जाइए ग्रीक्स में जाए तो अराउंड 15 पॉजिटिव सर। तो 15 आपने लॉन्ग कर रखा है, या क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पुट बेच दिया तो 15 लॉन्ग हो गया ना, करेक्ट करेक्ट। तो विच इज यू आर टेकिंग अ रिस्क। अगर भाव गिर गया तो हाँ अगर गिर गया तो फिर से एडजस्टमेंट शुरू हो जाएगा सर, वो भी एक क्या? सिनेरियो देखेंगे हम। हाँ ठीक है ठीक चलिए। है, तो ये हफ्ते में अगर आ जाते हैं तो फिर देखेंगे, नहीं तो फिर वो भी सिनेरियो देखेंगे। तो ये एक एडजस्टमेंट हो गया। जैसे अगर यहाँ पे ओके चलिए फिर इसको पूरा देख लेते हैं सर इसका क्या होता है। अभी 2 मई है, हम 30-30 मिनट्स का आगे कर रहा हूँ मैं। तो हम अभी एक्सपायरी डे में भी आ गए हैं, तो ये सिनेरियो आगे जाके और कुछ फायदा नहीं देखने का। तो सर हम दूसरा इसका एडजस्टमेंट देखेंगे, इसके लिए हम फिर बैक आ जाते हैं। यहाँ पे थे हम लोग, इसमें आप स्टॉप लॉस कुछ नहीं होगा ना? नहीं सर स्टॉपलेस इसमें नहीं रखते हम, क्योंकि इसको एडजस्ट करके ही निकलना है, ठीक है, तो इसमें स्टॉपलेस का जरूरत नहीं है, इसको एडजस्ट करके ही निकलना है। NO5 में थे सर, तो यहां पर हमने एडजस्ट किया था इसको। अब वापस हम उधर ही आ गए सर, हम वहीं पे दूसरा स्ट्रेटेजीज भी देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे दूसरा एडजस्टमेंट ये है, जैसे हम स्ट्रांगल सेल कर सकते हैं। स्ट्रांगल सेल करने के लिए अगर हमें लगता है, अभी चार्ट में जाके देख सकते हैं हम 15:05 का 28th, या सो वी आर हियर सम ओके, सो नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप वगैरह। सो यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है, तो अगर जब भी नेक्स्ट डे खुलेगा रेजिस्टेंस, यहाँ अगर नहीं रेजिस्टेंस अगर नीचे आ जाते हैं, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो फिर हमें फिर एडजस्टमेंट का जरूरत पड़ सकता है, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा जैसा आता है। तो अभी फिलहाल तो ऐसा नहीं दिख रहा, अभी मार्केट बुलिश ही लग रहा है, तो इसलिए हम एक बुलिस का भी इसका देख लेंगे सर, बुलिस का एडजस्टमेंट। फिर हम जो रिवर्सल का भी देख लेंगे, अगर रिवर्सल हो गया तो क्या करेंगे। ये एडजस्टमेंट जो है वो कितने पॉइंट पे करते रहना पड़ेगा?
सर ये जो एडजस्टमेंट है, जैसे अभी हमने अभी जैसे रेशियो स्प्रेड किया है, तो रेशियो स्प्रेड का फिर एडजस्टमेंट्स आ जाते हैं। अभी दिस इज बेसिकली हमने जो यहाँ पे रेशियो स्प्रेड लगाया था, रेशियो स्प्रेड अभी फिलहाल रेशियो स्प्रेड बन गया, तो रेशियो स्प्रेड का फिर एडजस्टमेंट आ जाता है उसमें। और कोई डेबिट स्प्रेड करके तो कुछ है नहीं, रेशियो स्प्रेड बन गया। तो रेशियो स्प्रेड का जो फंड है, अभी जैसे सपोज मार्केट धीरे धीरे आता है तो हमें वो प्रॉफिट में आएगा, फिर वो जो 1 सेंट सब फिर से लगा देते हैं उसको। तो सर यहाँ पे कैसा, सपोज मार्केट नीचे अगर रिवर्सल आता है, ऊपर ऊपर जा रहा था अभी रिवर्सल आने लगा, तो अगर धीरे धीरे आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। धीरे धीरे आता है प्रीमियम, धीरे धीरे घटेगा ये करेगा, फिर जाते जाते अगर इधर आ गया तो हमें प्रॉफिट दे के चला जाए। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब ये फास्ट नीचे आ जाते हैं। तो उसके लिए हम दूसरा भी सिनारियो देख लेते हैं सर, एक नेक्स्ट वीक का है। इससे पहले इसको हम हमारा व्यू राइट होने का भी एक देख लेंगे इसमें, तो इसको हम रिसेट कर देते हैं सर, इसको कॉल लेके देख लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स लुक एट अ सिनेरियो वेयर आवर व्यू गोस राइट एंड व्हाट एडजस्टमेंट्स वी कैन डू। ओके सो अगेन सेम हमारा कॉल अभी बाई करेंगे हम, और 50 डेल्टा का बाई करेंगे। ये डेल्टा 43,000 का है, 50 डेल्टा अराउंड 43,000, राइट सर? 43,000 बाय, हाँ 1 मिनट। हाँ ठीक है ठीक है, राइट सर? सॉरी ठीक 50 का है, डेल्टा है इधर, फिफ्टी बरोबर है पॉइंट फोर फाइव या बरोबर है। एंड 35 डेल्टा का हम सेल करना है, तो 35 पर नहीं, 32.69 उसका नजदीक, 433। आप कॉल कॉल ही क्यों किया, पुट क्यों नहीं किया? सर अभी देखना है सिनेरियो हमें, जिसमें कि हमारा व्यू राइट गया। पुट तो नहीं हमने मैं देखा ठीक जब है, व्यू हमारा रॉन्ग गया था। पॉइंट ये है कि आपने कॉल इसलिए कि क्या मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ऊपर जाएगा, राइट? हाँ करेक्ट करेक्ट, तो वो व्यू तो बनाना पड़ेगा, राइट? हाँ व्यू बनाना पड़ेगा सर। उसके लिए भी चार्ट भी देख सकते हैं हम उस समय। ये व्यू जैसे में तो फॉर आदमी एग्जाम्पल गलत आप होता यहाँ पे है, देखोगे, सपोज सर व्यू तो बन ये रहा है व्यू एक्चुअली, बनाना इतना इजी थोड़ी ना, उसी में तो आदमी गलत होता है। सही बात है, बट हम रैंडमली भी देखेंगे तो भी बन रहा है। वैसे देखिए यहाँ पे सपोर्ट लगभग है 915, यहाँ पे है, यहाँ पे ओके मार्केट खुल रहा है 915 को, तो ये यहाँ 15 मिनट नीचे का सपोर्ट चार्ट है, में तो हम बेसिकली यहाँ देख पे के, ले हम सकते हैं 10:30 पंद्रह को ले मिनट का सकते हैं। चार्ट को देख के उसका टेक्निकल देख के व्यू बनाते हैं, जी नहीं ठीक है? और ये एक्सपायरी वाले ही ट्रेड है, खाली एक्सपायरी वाले दिन के लिए ट्रेड है। सर, ये पूरा सिनेरियो दिखाने के लिए मैं ऐसा ले रहा हूँ। एक्चुअली इसके लिए व्यू का बहुत ही आवश्यक है। जब भी हम ट्रेड लेना है तो ऐसा रैंडमली हम पुट डेबिट स्प्रेड या कॉल डेबिट स्प्रेड नहीं ले लेंगे, हम चार्ट देख के ही लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वे टू स्टार्ट दिस ट्रेड, आई विल स्टार्ट अराउंड 10:15, ये जो सपोर्ट पे आके जो ऊपर जा रहा है मार्केट, आई विल नॉट स्टार्ट 9:20, बट क्योंकि हमें स्टार्टिंग दिखाना है इसलिए मैं 9:20 का ले रहा हूँ। अदरवाइज आई वुड नॉर्मली स्टार्ट एट 9:15, 10:15, ओके, बिकॉज दैट्स वेयर इट हैज टेकन सपोर्ट एंड गोइंग अप, ओके सो ओके कॉल स्प्रेड मैं लूंगा। तो ये रिवर्सल भी हो सकता है, तो इसलिए व्यू गोइंग रॉन्ग हमने पुट साइड लेके देख लिया कि कैसे एडजस्ट करना है। और भी एडजस्टमेंट हम डिस्कस करेंगे। तो ये व्यू गोइंग राइट हम, तो ये व्यू हमारा बन रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम 10:15 को लेना चाहिए। हम अभी 9:20 से शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने भी लाइन लगाया रेजिस्टेंस का, तो वहां पे जब आते हैं तो हम क्या करेंगे वो भी देख ओके लें। ओके, तो आई थिंक आई हैव टेकन ऑलरेडी, या तो ये हमें देखना है। एक्चुअली ये स्क्रीन में ही रहना चाहिए हमें, क्योंकि हमें इसको मार्क करना चाहिए जो सेल डेल प्राइस है, वो जब भी 50% रिड्यूस हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, उस समय हमको एडजस्टमेंट शुरू करना है, तो ये देखना चाहिए हमें। तो अभी जैसे कि ये हमारा व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगा इसलिए हमने कॉल डेबिट स्प्रेड लिया है, तो अभी हम इसको सिमुलेट करके देख लेते हैं।
हाँ सर, इसमें हम एडजस्ट जब भी मार्केट हमारे फेवर में जाते हैं, हमारे व्यू के हिसाब से जाते हैं, हम तब भी एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। एटलीस्ट जब 50% गेन हम बना लेते हैं, उससे पहले नहीं। 700 800 पॉइंट या 1000 पॉइंट जब भी होते हैं तभी नहीं। देखिए, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है 4400, तो अराउंड 2000 का लेवल में ही हम शुरू करेंगे इसका एडजस्टमेंट। ठीक है, इसका एडजस्टमेंट करने के लिए वेरी सिंपल है। ये जो बाई लेग है इसको क्लोज करना है और उसको एक लेग ऊपर बिठाना है। हमारा जैसे इसमें गैप है, करीब 300 पॉइंट का गैप है, तो हम 43,100 200 तक आ सकते हैं। तो ये करके देख लेते हैं। तो ये अभी इसको क्लोज करते हैं बाई 482.7। और हम 43,100 का बाई करेंगे। और जो बेचा हुआ उसको शिफ्ट नहीं करेंगे? नहीं, वो भी करके देखेंगे सर। अभी लेट मी डिस्कस द डिफरेंट सिनेरियोस। ओके, ठीक है, नाउ आई एम शिफ्टिंग द बाई लेग ओनली, सेल लेग को अभी शिफ्ट नहीं कर रहे। ओके देखिए, 43,100 पे आए, तो यहाँ पे जो हमारा लॉस था, काफी सारा लॉस था, ये रिड्यूस हो गया। लेकिन हमारा मैक्स गेन भी थोड़ा रिड्यूस हो गया। अभी 4,400 कुछ था, अभी देखिए 3,900 पे आ गया है। तो पर हमारा डाउन साइड अभी भी थोड़ा लॉस दिखा रहा है। इसको हम जीरो लॉस भी कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा और हायर स्ट्राइक लेते हैं। तो हम 43,800 200 का भी लेके देख लेते हैं। सो बेसिकली वो जो 50 डेल्टा और 35 डेल्टा का जो आपका थॉट है, आप उसको हमेशा मेंटेन रखेंगे और पीरियोडिकली एडजस्ट करते रहेंगे, यही बोल रहे हैं? नहीं, सर, डेल्टा सिर्फ हम एक बार जब ट्रेड लेते हैं उस समय डेल्टा देख रहे हैं, उसके बाद हम अच्छा, डेल्टा नहीं देख रहे। ओके, समझ गया। ओके सर, डेल्टा हम सिर्फ ट्रेड लेने के लिए देख रहे हैं, क्योंकि हम रैंडमली कोई भी स्ट्राइक नहीं लेते हैं। ठीक है, जैसे सम पीपल टेक बाय बाय एट प्राइस, लेट्स से 200, एंड सेल लेग व्हिच इज 50% ऑफ दैट बाय प्राइस। सो वो भी ठीक एक स्ट्रेटेजी है, बट मैं नॉर्मली ऐसे फॉलो करता हूँ। 50 डेल्टा का बाय करता हूँ, 35 डेल्टा का सेल कर। तो आप 50 डेल्टा का ऐसा डेल्टा भी आप बिल्कुल ना देखो, सिर्फ प्राइस पे भी जाओ तो भी चलेगा। ओके, तो ये अभी देखिए टोटली लॉस फ्री ट्रेड हो गया है। डाउन साइड भी लॉस फ्री है, और ऊपर और जाएगा तो आपको और भी मिलने का उम्मीद है। तो ये एक एडजस्टमेंट है। दूसरा है, हम पहले जैसा था वैसे आ जाते हैं। ओके, इसको हम बटरफ्लाई में भी बदल सकते हैं। अभी 43,300 का एक और हम सेल कर देंगे, 3,300। अपने 1 मिनट, अच्छा बटरफ्लाई कर बटरफ्लाई रहे में हैं, क्यों क्यों कर रहे हैं? मतलब जस्ट डिफरेंट स्ट्रेटजी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी चेंज। अच्छा, ओके, और बाय करते हैं 600 पॉइंट्स अबव। जस्ट आई एम ट्राइंग टू शो द वेरियस वेज ऑफ एडजस्टिंग द ट्रेड व्हेन इट गोज इन योर फेवर। 600 पॉइंट क्यों आपने सिलेक्ट किया? 600 पॉइंट नहीं सर, 3 इक्विडिस्टेंट रखा मैंने बटरफ्लाई के लिए। अच्छा, फोर्टी तिरालीस थ्री थाउजेंड का एक तिरालीस बाई पॉइंट है, को 43,300 का सेल है दो, और हाँ 43,600 का। ठीक है, ठीक है, अभी इसमें भी हम काफी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, जिसमें कि आपका अगर सपोज यहाँ पे आप आ गए हैं, अगर आपको लगता है कि मार्केट और जाने का ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे। ओके, सपोज ये 9:35, लेट्स चेक द ट्रेडिंग व्यू व्हाट इट सेज सेकेंड में। 9:35 यहाँ पे देखिए करीब। ओके, अभी तो आपको टॉप का सिनेरियो बना नहीं इतना, बट एज यू गो फॉरवर्ड अ बिट यू विल कम टू नो हियर दैट समवेयर इट इज फॉर्मिंग अ टॉप। यू कैन कंटिन्यू विद द ट्रेड, बट एट द सेम टाइम मे बी यू कैन एग्जिट द ट्रेड विद व्हाट अ प्रॉफिट योर 50% प्रॉफिट यू मेड ऑलरेडी ऑफ द मैक्सिमम प्रॉफिट, और यू कैन डू द एडजस्टमेंट एंड रिमेन इन द ट्रेड।
So once your trade becomes loss free, you can remain in the trade if you like. If you feel that market can has the potential to go up further, then you can remain in the trade. Or you feel that market ज्यादा नहीं जाएगा, इधर ही थोड़ा बहुत घूम के एक्सपायर होने का है, तो यू कैन कन्वर्ट इट टू बटरफ्लाई और इधर ही हो गया एक्सपायरी, तो देन यू सी द मैक्सिमम प्रॉफिट 8,000 समथिंग वी गेट। ओके अगर व्यूज हाई नहीं गया तो कम से कम थोड़ा तो कुछ प्रॉफिट मिल रहा है 677 लाइक। एंड दिस ऑल्सो वी कैन एडजस्ट मेक दिस जो मिनिमम प्रॉफिट है इसको भी बढ़ा सकते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं हम कैसे बढ़ाएंगे। जैसे 43,000 है अभी, 300 का 300 पॉइंट्स का गैप है बटरफ्लाई में, हम इसको अगर कम कर देंगे 100 कर देंगे तो हमारा जो मिनिमम प्रॉफिट है और बढ़ जाएगा। कभी कभी हमें लगता है ना हमें इतना अच्छा प्रॉफिट किया था चला गया, तो फिर वो थोड़ा सा फिर पश्चाताप नहीं होगा। तो ओके इसके लिए हम लेट से तो ये इसको क्लोज कर देते हैं और इसको हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इसका प्रॉफिट यहाँ पे 482.7, 482.7 और हमें आना है 43,200 एंड 43,400 राइट, बाय करना है 43,200 एंड 43। मेरे को अभी भी एक कंफ्यूजन हो रहा है कि एडजस्टमेंट जो कर रहे हैं आप, इसका बेसिस क्या है? आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं मैं समझ में आ गया, बट कब एडजस्टमेंट करना चाहिए, ट्रिगर पॉइंट क्या है? ट्रिगर पॉइंट जैसे मैंने बताया सर, आपका 50% प्रॉफिट आ गया है। हाँ ओके नाउ यू डू नॉट वांट टू लूज, बिकॉज इफ यू डू नॉट डू द एडजस्टमेंट एंड दैट मार्केट रिवर्सेस, देन फिर आपका सारा प्रॉफिट चला जाएगा और आप लॉस में आ जाओ। अच्छा तो हम उसको पहले तो हमारा मोटिव ये रहेगा कि उसको रिस्क फ्री कर देते हैं, कम से कम ओके लॉस कर देते हैं या तो फिर रिस्क फ्री कर देते हैं। ओके तो एटलीस्ट लॉस अगर मिनिमाइज हो गया या रिस्क फ्री हो गया, फिर हमें टेंशन नहीं है कि वो ट्रेड से कोई टेंशन नहीं है कि कुछ हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ प्रॉफिट वो एडजस्टमेंट की वजह से हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट था वो कम हो सकता है। अभी देखिए सर, हमने अभी एक एक लेग का किया, यानी कि जो 43,300 पॉइंट का गैप था हमने 100 पॉइंट का गैप में अभी बटरफ्लाई किया। तो अभी देखिए जो मिनिमम प्रॉफिट है वो 2,000 जो हमारा था पहले, ये एडजस्टमेंट शुरू करने से पहले जो हमारा था उतना मिल रहा है, 2,200 कुछ था हमारा वो मिल रहा है। ये देखिए मिनिमम प्रॉफिट उतना ही आ रहा है। अगर बाय चांस मार्केट उधर का उधर ही एक्सपायर हो जाता है तो भी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा जो कि 4,687। तो ये एक मतलब तरीका है टू मेक श्योर दैट यू डोंट रन इनटू लॉस वंस यू मेड प्रॉफिट, टू प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट, राइट सर। तो सर हम एक ऐसे सिनेरियो देखते हैं जिसमें कि जैसे मार्केट हमारा अगेंस्ट में गया और हमने एडजस्ट किया, जब एडजस्ट किया फिर मार्केट घूम गया, ठीक है, तो उसमें क्या करने का? तो वैसा एक देखते हैं, मैंने एक्चुअली मैंने ढूंढ के रखा था, वो लास्ट एक्सपायरी में ही था ऐसा हुआ था एक, तो वो था 11th मई का एक्सपायरी सर। तो 11th मई का एक्सपायरी हमने डाल दिया सर। 11th मई को क्या कैसा था मार्केट वो भी देख लेते हैं। 5th मई से हम शुरू करेंगे, तो 5th मई को कैसा मार्केट था, तो ये 5th मई का मार्केट सर, ओपनिंग में ही गैप डाउन खुला, ठीक है, उसके बाद कुछ देर के लिए ऊपर गया, फिर नीचे ही नीचे 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 आ रहा है। हाँ, ठीक तो है, अब आप क्या तो हम करेंगे? इसमें इसमें हम कॉल स्प्रेड लेंगे, ठीक है। कॉल स्प्रेड जब लेंगे तो अभी जब घूम जाएगा तो फिर क्या होता है देखते हैं, एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर उस एडजस्ट करने के बाद जब मार्केट घूम जाएगा तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए मार्केट घूम गया ऊपर। ओके 11 मई को मार्केट एक्सपायर हो रहा है, लेकिन 8th मई को मार्केट देखिए ऊपर आ गया,
तो ये जो हम एडजस्टमेंट करेंगे समवेयर हियर वी विल बी डूइंग सम एडजस्टमेंट प्रॉब्ली, और फिर मार्केट उल्टा आ गया तो फिर उसमें कैसे निकलना है। तो एक बात बताइए, ये आप एक्सपायरी वाले दिन में एक्सपायरी के लिए ही कर रहे हैं कि आप नहीं फ्राइडे नहीं नहीं को? एक्सपायरी के लिए नहीं कर रहा हूँ सर, मैं सिर्फ इसका लाइफ दिखाना चाहता हूँ, एक एडजस्टमेंट तरीका दिखाना चाहता हूँ। ये करना है जब भी, जैसे मैंने पहले ही बोला कि ये तभी लेंगे जब भी आपका व्यू बनता है, जब भी आप चार्ट पे आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है तभी जाके आप ये ट्रेड लेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो एक्चुअली में मतलब अगर आप इसको टॉप पकड़ते हैं तो आप शायद पुट वगैरह ले सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ये ट्रेड कब करेगा, मंडे? आप क्योंकि शुरू में प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में आपने बोला था ना कि आप एक्सपायरी में ही ट्रेड करते हैं। एक्सपायरी में पोजीशन ट्रेड्स करता हूँ सर, बट ये जो डेबिट स्प्रेड ट्रेड्स हैं, ये डेबिट स्प्रेड ट्रेड के लिए व्यू का जरूरत है। विदाउट व्यू वी शुड नॉट इनिशिएट द ट्रेड, मैं समझ गया, ओके, व्यू दैट तो अपने इज लेंगे। क्लियर। सपोज नाउ एक व्यू व्हाई आई बन एम गया, टेकिंग फ्रॉम फ्राइडे एंड रनिंग टिल थर्सडे, दैट बिकॉज आई वॉन्ट टू शो द एडजस्टमेंट्स, ओके। हमारा व्यू गलत चला गया, एडजस्टमेंट्स कैसा करना, व्यू ठीक से गया तो एडजस्टमेंट कैसा करना, इसके समझ लिए गया। मैं दिखा रहा हूँ। बेसिकली ये एक अलग स्ट्रैटेजी है जो एक्सपायरी स्ट्रैटेजी नहीं है, जिसमें आप नहीं व्यू नहीं ये बेस्ड एंगल एक्सपायरी लगाते स्ट्रेटेजी हो। नहीं है, तो ये मार्केट के एक्सपायरी अंदर में स्ट्रेटेजी अगर नहीं है। मंदी का व्यू आया तो, या अगर तेजी का ध्यान, व्यू आया तो स्प्रेड के थ्रू, डेबिट स्प्रेड के थ्रू कैसे काम करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, वो आप बता रहे करेक्ट हैं। करेक्ट 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 करेक्ट। बरोबर, समझ अभी गया। फॉर एग्जांपल सपोज सर हमें मिल रहा है जैसे ट्यूसडे को या वेडनेसडे को ऐसा मिल रहा है फॉर एग्जांपल, ओके, तो हम वो थर्सडे का तो नहीं लेंगे, हम नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का स्ट्राइक्स लेंगे, ठीक है सर। ठीक ये सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ, ये नहीं कि मतलब फ्राइडे को शुरू करना है और थर्सडे तक होल्ड करना है, नो नॉट लाइक दैट। यू विल होल्ड ओनली टिल योर, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे देखिए टॉप बन रहा है, आई विल नॉट होल्ड हियर, आई विल एग्जिट हियर, ओके, बिकॉज यहाँ पे नीचे आता फिर ऊपर गया मार्केट, यस, बट मोस्ट लाइकली आई विल एग्जिट हियर इटसेल्फ, बिकॉज माई चार्ट सेज दैट टू एग्जिट हियर। आई एम शोइंग दिस टेकिंग ऑन फ्राइडे एंड आई एम रनिंग इट जस्ट टू शो हाउ टू एडजस्ट द ट्रेड, नथिंग ओके एल्स, बट ओके इट सर, डजन इट्स नॉट लाइक हर हफ्ता आ जाने का और जैसे थर्सडे एक्सपायरी हो गया फ्राइडे को शुरू कर देना, ऐसा नहीं, ठीक ओके ठीक है सर, ओके। तो यहाँ पे हम जैसे मार्केट नीचे आ जाता है तो हम कॉल कर लेते हैं, कॉल स्प्रेड लेते हैं, तो हमारे व्यू विल गो रॉन्ग एंड विल सी हाउ टू एडजस्ट दैट, ओके। और तो कॉल का स्प्रेड हम 50 डेल्टा का शुरू करना है, 50 डेल्टा, ओके, ₹51.63 नियर अबाउट 43,400 बाय, राइट, एंड देन अराउंड 34.29, 35 डेल्टा का हमें सेल करना है, सेल Right. तो यहाँ पे अभी P&L में हमें जाना है, P&L में हमें ये प्राइस को मॉनिटर करना है, कभी वो 50% आ जाते हैं, ठीक, तो हमें 30-30 मिनट्स आगे चलते हैं, अभी 50 में 9:20 को हम शुरू कर रहे हैं, ओके। देखिए ऑलरेडी हमारा नेगेटिव आने शुरू हो गया है, राइट, दिस इज समथिंग लाइक 5% लॉस दिखा रहे हैं, बट वी शुड नॉट पैनिक इन दैट केस, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो है 50% इज 76, अराउंड 76, ठीक है, तब तक हमें ये इसको चलाते रहना है। ओके सो दिस इज वन, 75.5 नियर अबाउट हाफ ऑफ दिस, सो एज पर आवर रूल वी विल सेल 35 डेल्टा वंस मोर, यहाँ पे देखिए हमारा बाई है 43,400 और यहाँ पे 35 डेल्टा का भी वही दिखा रहा है, तो हम वो नहीं लेंगे,
राइट, तो उसके नीचे 43,500 का हम सेल कर। ओके सो हाउ इट लुक्स, इट्स जून दिस वन। ओके ओके सो तो ये हमारा रेशियो स्प्रेड है, इसमें देखिए नीचे अगर मार्केट कहीं भी चला जाए हमारा लॉस मैक्सिमम 445 ही रहेगा। ओके अगर मार्केट ऊपर आ जाते धीरे धीरे आता है तो हमें प्रॉफिट देने का चांस है, अगर ज्यादा कुछ होता है तो फिर हमें एडजस्टमेंट से जरूरत पड़ेगा। तो लेट्स राधेश एंड सी व्हाट हैपेंस। से पहले देखिए सर थोड़ा बहुत ज्यादा आ गया, हमें चार देखना चाहिए। ओके अभी फॉर एग्जांपल अभी फिफ्थ में है, 515 को है, 315 को मार्केट है। ये देखिए 315 को मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे है ऑलमोस्ट। ओके और नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप खुला, तो अभी क्या करना चाहिए वो देखते हैं। मार्केट खुला तो अभी अभी देख सकते हैं कि मार्केट और नीचे नहीं जा रहा, अभी यहां से टर्न ले लिया मार्केट। तो अगर हम इसको होल्ड करेंगे, क्योंकि ये रेशियो स्प्रेड जैसा है, और इसको हम होल्ड करेंगे तो हम खतरे में आ सकते हैं, तो हमें अभी अपने आप को बचाना पड़ेगा। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करने हैं, हम पुट सेल करेंगे। क्यों पुट सेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है और यहाँ से ऊपर गया है, बड़ा कैंडल आया है और ऊपर। वो तो आपको अभी पता लग गया कि कैंडल आया था। नहीं सर, गैप अप हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आप जो अच्छा सा सपोर्ट है यहाँ से मार्केट ऊपर गैप अप। तो बेसिकली अगर कोई भी एक कैंडल 15 मिनट का कैंडल से ऊपर चला गया है तो हमारा एडजस्टमेंट ट्रिगर हो जाना चाहिए, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। नो सपोर्ट, सपोर्ट देख रहे हैं सर, ये देखिए प्राइस एक्शन का, ये सपोर्ट कहाँ से आया, तो आपने ड्रॉ किया है हिस्टोरिकल दिखाई, कहाँ से आया ये सपोर्ट, ये तो पोस्ट पोस्टमार्टम है ना ये सपोर्ट। नहीं सर पोस्टमार्टम नहीं, पहले से सपोर्ट है। अच्छा अच्छा पहले से है ये आपको। यस ये देखिए कहाँ से लाए आप ये सपोर्ट, ये देखिए। ओह अच्छा अच्छा गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो हिस्टोरिकल लास्ट कुछ दिनों के हाई लो और इस तरह के जो लेवल्स yes, होते इसका हैं वो ये लाइन खींच के रखना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट अप डाउन हो रहा है, तो आपको पहले से ये लाइन खींच के रखना पड़ेगा टू सी कि आपका सो हमें अभी इसको स्ट्रैडल स्ट्रैंगल में सेल बदलना पड़ेगा इसको। तो स्ट्रैंगल करने के लिए हमें पुट सेल करना है। अभी देखिए मार्केट आपका सपोर्ट लेके वहां से क्या कहाँ से सपोर्ट लिया है, फिर से देख लेते हैं। करीब 42,670, 650 like that. It has taken support. Okay, so we have to sell put which is below this level, somewhere below this level, like 42,500, 300, 400, something like that. Let's start with 42,300. But let's play very safe. Let's not be aggressive. जब भी एडजस्टमेंट हम करते हैं काफी एग्रेसिव नहीं होना है शुरू से ही।
देखिए हमने 42,500 हो गया, थोड़ा सा और थोड़ा सेव करते हैं, इसके लिए 42,300 कुछ करते हैं। तो मार्केट अभी देखिए ऑलरेडी 43,000 पे है और हमने 42,300 पुट सेल कर रहे हैं, विच इज नियरली 700 पॉइंट बिलो। तो सो दिस वे व्हाट इज हैपनिंग इज वी आर ट्राइंग टू गेट द डाउन साइड, अगर मार्केट मूव हो रहा है तो उसको सेव करने के लिए, और अपसाइड हो रहा है तो। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपसाइड में हमको ज्यादा अभी भी खतरा है, तो इसलिए ये हमारा जो 42,300 पुट हमने सेल किया वो एडिक्वेट नहीं है, तो इसके लिए हमें 42,500 ही करना चाहिए, 42,400 या 42,500। ओके तो जैसे आप जितना नजदीक आए करोगे उतना आपका प्रॉफिट नीचे आता है तो बढ़ेगा आपका, और ये भी जो तो ब्रेक इवन है ये भी बढ़ जाएगा, 43,800 पे आ गया, 43,800, 74, नियरली 43,900 तक हम सेफ है, 900 पॉइंट्स आप। इवन इन लो विक सिनारियो वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ ब्रेक इवन, नियरली 800, 900 पॉइंट्स का ऊपर का ब्रेक इवन। तो अगर हम इसको रन करते हैं नॉर्मली, यू नो व्हेन देर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग लॉस एंड देन बी एडजस्टेड सो दैट वी कम आउट ऑफ द लॉस एंड ऑल, आवर एम शुड बी एटलीस्ट कम आउट विद जीरो लॉस और विद स्मॉल प्रॉफिट। सो वी लुक इन दैट सिनेरियो, वी आर ऑलरेडी इन अ स्मॉल प्रॉफिट, दिस इज अबाउट 1% प्रॉफिट वी आर मेकिंग फॉर द डेबिट स्प्रेड, ओके बट ओवरऑल अभी मार्केट कहाँ पे है देखते हैं, 9th को 12 बजे। सी यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच गया ऑलमोस्ट, ठीक है ये भी लाइन देखना सर कहाँ से खींचा है। तो हियर यू कैन टेक अ डिसीजन टू एग्जिट द ट्रेड, अगर आप ट्रेड में रहोगे फिर ये हो सकता है फिर से एडजस्टमेंट का जरूरत पड़ सकता तो अभी एग्जिट करेंगे तो कितना होगा? है। 306 पॉजिटिव, 306 पॉइंट्स पॉजिटिव, तो जो लॉस मेकिंग था ट्रेड हमारा अभी हम थोड़ा सा गेन में हम लेकर और इसमें अपने बेसिकली ब्रोकरेज वगैरह तो निकल गया, इसमें अपना मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या था एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हाई पॉइंट तो पे? यही सर, जब भी हमारा व्यू रॉन्ग जाता है अगर एडजस्टमेंट करते हैं तो 1.5 लाख पकड़ के चले, तो हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट करीब 5 टाइम्स हो जाता है। जब भी व्यू राइट जाता है तो मार्जिन बढ़ता नहीं है, हम जब भी एडजस्ट करते हैं इनफैक्ट कम भी हो सकता है, बढ़ेगा नहीं, तो 20 से 30 हज़ार के अंदर ही रहेगा मार्जिन, बट जब भी व्यू रॉन्ग जाता है तो फिर मार्जिन 1.5 लाख पकड़ के चले। तो अगर हमारे पास 2 लाख का कैपिटल है तो हमें एक ही लॉट का करना चाहिए, और हमारा क्योंकि मैं जो यहाँ दिखा रहा हूँ अभी दिखाने के लिए एडजस्टमेंट का वगैरह मैं फ्राइडे को लेके चला रहा हूँ 9:20 से वगैरह, अदरवाइज ऐसा ट्रेड नहीं लिया जाता है, ये हमेशा व्यू आपका होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिसे सपोर्ट है आप शायद ट्रेड यहाँ शुरू कर सकते थे और ऊपर जा सकते थे, या यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ से आप पुट स्प्रेड ले सकते थे, समथिंग लाइक दैट, बट तो व्यू के साथ ही आप चलते हैं, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम योर ट्रेड विल गो अकॉर्डिंग टू योर व्यू एंड विल गिव यू सुपर प्रॉफिट, बिकॉज जब भी प्रॉफिट आता है तो कम से कम 2,000, 2,500, 3,000 प्रॉफिट आता है। तो अगर 1.5 लाख का भी कैपिटल हम 2 लाख का भी कैपिटल हम पकड़ेंगे तो भी उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है, ठीक सही है, सही है। अच्छा है। सर और जब पर भी एक व्यू रॉन्ग चला जाता है हम ऑलमोस्ट जीरो में या छोटा सा प्रॉफिट में निकलते हैं, ओके गॉट इट। सरद भाई वेरी एक रेयरली मिनट, कि आप बड़ा लॉस कर लोगे। ठीक है सो टॉकिंग अबाउट माई परफॉर्मेंस हियर ऑन योर ग्रोथ, एज आई सेड आई हैव बीन कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग
year on year since the time I have quit Machhe Nebhi, and before that also. So last 3 years I have shown here, like during COVID time 2020 to 21, profit was around 185%, and in year 21-22 it was around 110%. Oh my god! Then year 22-23 around 55%. तो ये रिड्यूस हो गया सर, इसलिए कि लिवरेज नहीं है अभी अभी लिवरेज नहीं है बहुत, समझ गया मेरे को, थोड़ा टफ हो गया बनाना अभी। अच्छा मुझे बताइए शरद भाई, ये तो एक स्ट्रेटजी से नहीं आ रहा होगा, आप कितना स्ट्रेटजी? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक मेरा वन ऑफ द स्ट्रेटजीज, और ये मेरा जो स्ट्रेटजी मैंने बताया सारे जो है स्ट्रैडल स्ट्रैंगल, मेरा मोस्टली ट्रेड रहता है कॉन्डोर ट्रेड वगैरह रहता है और पोजिशनल ट्रेड रहता है, लेकिन again it depends all it all depends on the weeks and data flow that is coming in. Sometimes I am not in trade at all, sometimes I get into trade and I get out within a few minutes or maybe few hours, or sometimes I keep for whole week. So aur ye jo trade hai debit spread jaise maine dikhaya ki Friday ko leke kar rahe hain, aisa nahi karta hu aur na hi main kisi ko recommend karunga aisa karne ke liye, isko weekly trade nahi samajhne ka. Jab bhi mauka milta hai आपको, मौका लेके चौका मारने वाली ऐसा देखने का इसको। देखिए व्यू तो हर समय बन सकता है, मार्केट में व्यू तो एनी टाइम एट टाइम रहता ही है ना, तेजी या मंदी का। तो ये स्ट्रेटजी अगर देखा जाए तो एक व्यू मैंने बना लिया कि तेजी यहाँ से है तो ये करता रहूंगा, जिस दिन व्यू चेंज हो गया तो उल्टा करना चालू कर दूंगा। सही बात, तो ये परपेचुअल स्ट्रेटजी क्यों नहीं हो सकती है? तो ये परपेचुअल स्ट्रेटजी हो सकता है, आप जैसे मैंने बताया यहाँ पे जैसे हमने लाइन खींच के रखा था, ठीक है, तो लाइन खींच के रखा है इसीलिए, तो लाइन जो मतलब क्योंकि आपको ये इसका जरूरत है, अगर आप ये प्राइस एक्शन जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, जैसे आप मूविंग एवरेज का कुछ कर रहे हैं या आरएसआई का कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ व्यू बना रहे हैं, तो आप उसको कंटिन्यूस ट्रेड कर सकते हैं, कंटिन्यूस ट्रेड कर सकते हैं, इसमें कोई क्योंकि लॉस होने का चांसेस बहुत कम है, आप इजिली इसको एडजस्ट कर सकते हो और बंपर प्रॉफिट दे के जाता भी है, महीने में एक बार तो एक आधे बार तो आपको बंपर प्रॉफिट दे के जाएगा। ओके लेकिन इसमें ग्रीड नहीं करना है, जैसे मैंने बताया अगर आपके पास दो, क्योंकि वो 20-25 हज़ार मार्जिन जाता है, तो इसका मतलब नहीं आपके पास 2 लाख है तो आप 10 लॉट ले लिया अगर, ठीक है, आप 1.5 लाख 2 लाख पकड़ के चलिए एक एक लॉट का, उसी हिसाब से ट्रेड लीजिए। अगर आपका व्यू सही गया और आप अच्छा खास प्रॉफिट बना रहे हो और आपने रिस्क फ्री कर दिया, तो बाकी का जो मार्जिन आपका बचा है आप कुछ और कर सकते हो उसमें, बरोबर, और कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेड कुछ करके आप पैसा और एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, बरोबर, लेकिन उसको स्टार्टिंग में ही नहीं डाल देना सब कुछ डेबिट स्प्रेड, क्योंकि हमेशा सिर्फ डेबिट स्प्रेड करके नहीं, कोई भी ट्रेड हम लेते हैं तो ये नजरे से चलना चाहिए कि हमारा व्यू गलत हो सकता है और गलत होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो नजरे से हमें चलना चाहिए, तो उसके लिए अच्छे से मार्जिन होना चाहिए और एडजस्ट करने का तरीका, एडजस्टमेंट का तरीका कहाँ पे करेंगे वो चार्ट में या आपका जो भी रहेगा तरीका करने का, वो पहले से प्लानिंग करके करना चाहिए। ओके ओके ठीक है, ठीक तो, है तो शरद भाई आई थिंक आपका प्रेजेंटेशन में आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट, हाँ चलिए चलिए लेट्स गो थ्रू दिस। यस, ये काफी लोग हम पूछते हैं, लाइक मेरे दोस्त वगैरह भी जो मच्छे ने भी में है, वो कैसे छोड़ सकते हैं वगैरह वगैरह, यू नो ट्रेडिंग करके, तो मेरा जो लोग ट्रेड करते हैं ऑफिस में जाते हैं वो लोग का भी यही सवाल रहता है कि कब छोड़ेंगे, कैसे छोड़ सकते हैं हम, तो मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस रहा है उसी हिसाब से मैंने लिखा है, ये हो सकता है किसी बुक में नहीं होगा इस तरह का, तो मेरा ऐसा है कि आप अगर क्विट करके फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो पहली बात तो ये है कि वो पूरा प्लानिंग के साथ करना चाहिए। अगर आप जब भी फाइनली आप क्विट करना चाहोगे तो उस समय इतना आपका कैपिटल, आपका जो कंटिजेंसी फंड बोलो या रिजर्व फंड बोलो, जो भी है आपका होना चाहिए कैश आपका बैंक अकाउंट में या एफडी में जैसे भी हो, जो कि आपको 3 साल तक आपका फैमिली का जो नॉर्मल एक्सपेंसेस है, उस हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, बच्चे लोग का पढ़ाई वढ़ाई का जो एक्सपेंसेस है वो चला सकता है। अगर आपका 1 साल नेगेटिव रहा तो भी, अगर 1 साल आपने ट्रेड किया फिर भी आपने कुछ नहीं बना पाया तो भी आप सस्टेन कर पाओगे 3 साल तक, उतना कैप उतना सेविंग आपका होना चाहिए। और एक बात है, सबसे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, काफी लोग कैसे हैं ट्रेडर बन जाते हैं कि
उनका जॉब चला गया किस वजह से, जैसे आईटी में अच्छा बूम था कोविड के टाइम, फिर थोड़ा ले ऑफ वगैरह हो गया। सी द टाइम टू क्विट योर जॉब एंड गेट इन टू ट्रेडिंग इज द टाइम वेन यू आर एट द पीक ऑफ योर कैरियर, नॉट वेन यू हैव लॉस्ट योर जॉब और लुकिंग फॉर ए जॉब। चलो अभी बैठे हैं तो चलो अभी थोड़ा ट्राई कर लेते हैं ट्रेडिंग। नो, दैट इज द वर्स्ट टाइम टू डू ट्रेडिंग। ओके, सो माय एक्सपीरियंस इज दैट यू शुड बी ट्रेडिंग, वी शुड बी थिंकिंग ऑफ बिकमिंग फुल टाइम ट्रेडर ओनली वेन यू आर एट द पीक ऑफ योर कैरियर एंड यू हैव इनफ सेविंग्स। ओके, नॉट वेन यू आर लुकिंग फॉर ए जॉब, नॉट वेन यू हैव लॉस्ट योर जॉब, थिंग्स लाइक दैट। ओके, एंड ऑफ कोर्स इट मस्ट बी अ वेरी प्लान्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ओके, शैल वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड सर, एनी क्वेश्चन? ऑलराइट, ओके। सो काफी लोग मेरे पूछते हैं, बिकॉज मैं जब भी मार्चिन नेवी में था, मार्चिन नेवी में तो बहुत अच्छा सैलरी मिलता है और इजी मिलता है, इजी मनी जैसा बोल सकते हैं आप, क्योंकि जहाज में जाना है, जो भी काम आपका जहाज में कर रहे हैं और आप छुट्टी हो गया घर में आ जाओ, आपका हर महीना सैलरी घर पे आ रहा है, तो इट लुक्स काइंड ऑफ वेरी इजी पे, यू नो, अर्निंग वेरी इजी वे ऑफ अर्निंग मनी एंड वी आर पेड वेरी वेल ऑल्सो। ओके, बट हाँ, उसमें बाकी जो नेगेटिव पॉइंट्स थे जिस वजह से मैंने छोड़ा, जो मैंने बताया, वो मोनोटोनस लाइफ रहता है, फैमिली टाइम नहीं मिलता है, काम में कुछ क्रिएटिविटी नहीं रहता है, कुछ अलग करने को नहीं मिलता है, तो प्लस वो स्टैग्नेंसी जैसा फील होता है, इसलिए मुझे जल्दी छोड़ना था। ठीक है, बट एज फार एज मनी एंड ऑल कंसिडर दैट इट्स अ वेरी वेल पेइंग जॉब, बट स्टिल मैंने छोड़ा। ये तो रीजन तो आप बोल सकते हैं कि ये सब रीजन था, बट इससे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन था मेरे लिए कि मैं कंफर्ट जोन से निकलना चाहता। ये मोनोटोनस लाइफ, क्रिएटिविटी तो ये सब तो ठीक ठाक है, बट मैं एक्चुअली कंफर्ट जोन से निकलना था मेरे जे, क्योंकि वो काफी कंफर्टेबल लग रहा था कि हाँ चलो जहाज में चला गया और पगार आ गया हर महीना, और या फीलिंग सो गुड अबाउट इट। बट वंस यू आर इन गेट स्टक इन दैट साइकिल, यू कैन नेवर क्विट, यू कैन नेवर हैव लीड अ नॉर्मल लाइफ एट सो। सो आई वॉन्टेड टू कम आउट ऑफ दैट कम्फर्ट जोन। सो बिकॉज अनलेस यू कम आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, ये मेरा बिलीफ है कि यू कैन नॉट सोर हायर इन योर लाइफ। ओके, एंड वेन आई क्विट जॉब, माई इंटेंशन वॉज नॉट टू मेक सो गुड प्रॉफिट और सो मच मनी और दैट, आई हैड नो एनी टारगेट और एनीथिंग। माई ओनली इंटेंशन वॉज ओके, मेरा घर चलना चाहिए और थोड़ा बहुत सेविंग होना चाहिए, उतना ही था। बट करते करते मेरा इतना अच्छा पैसा बन गया है कि मैं वो नौकरी में होता तो मैं बिल्कुल बिल्कुल कभी इस तरह का पैसा नहीं बना। तो अगर मैं वो कंफर्ट जोन से नहीं निकलता तो मैं इस तरह का वेल्थ नहीं जनरेट कर पाता। तो आज मैंने जो कमाई किया है वो शायद मैं 60 ईयर्स तक काम करता तो भी नहीं कमा पाता जो मैं इस उम्र में मैं कमा चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, तो ये था कंफर्ट जोन से निकलना मेरे लिए बहुत ये था। गॉट इट। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस अबाउट इज द ओवर ट्रेडिंग। दिस सब मेनी पीपल हैव रिक्वेस्टेड मी टू आल्सो डिस्कस दिस। यस यस, वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट। इज दिस इज अ प्रॉब्लम न्यू विथ न्यूबीज, यस, बट इट हैपेंस विथ इवन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स ऑल्सो। सो हाउ टू ओवरकम ओवर ट्रेडिंग? ओके, सो द सिंपलेस्ट थिंग आई कैन से इज लाइक एनी एनी ट्रेडर, द टू ग्रेटेस्ट वर्च्यू ऑफ एनी सक्सेसफुल ट्रेडर इज पेशेंस एंड डिसिप्लिन। अनलेस यू आर पेशेंट एंड यू आर डिसिप्लिन, देर इज नो वे यू कैन बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। दैट इज माई पर्सनल बिलीफ। एंड हाउ टू डेवलप दिस पर्सनल पेशेंस एंड डिसिप्लिन, दिस डजेंट हैपन ओवर नाइट, इट टेक्स लॉन्ग 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 टाइम and takes a lot of practice to do. Okay, because saying this or reading in a book or self-help book will not help. So it's just a coincidence, nobody had told me this, but it's just a coincidence that I got into yogic practices and sadhanas and all. So that helped me indirectly, but I had no idea that time that this helps, but it helped me. So I would say that is one of the ways where one can generate this वर्च्यूज इन देम इवन इफ दे डोंट हैव। तो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल ओवर ट्रेडिंग फिर भी अगर आपसे होता है बहुत इतना कुछ करने के बाद तो कैसे रोके? तो पहले चीज तो है कि आपको ट्रेड ठीक से प्लान करना चाहिए इन एडवांस। जैसे हमने बताया कि
आप जैसे डेबिट स्प्रेड ले रहे हैं तो आप ऐसे रैंडमली नहीं ले ले, आप लेने से पहले पहले चार्ट लेबल्स देखेंगे, या तो आपका कुछ भी जो भी आपका डेटा पॉइंट है वो सब देखेंगे, वो करके फिर उसका प्लान करेंगे। प्लान करने के बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस पॉइंट पे आपको एडजस्टमेंट का जरूरत हो सकता है, तो उस पॉइंट के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। वो पॉइंट जब आएगा आपको वो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो प्लानिंग, प्लान योर ट्रेड इन एडवांस, एंड वंस यू प्लान योर ट्रेड स्टिक विथ इट, डोंट कीप चेंजिंग द प्लान एंड ट्राई टू ओवर ट्रेड, ट्राई टू इंक्रीज द क्वांटिटी, ऑल दैट यू नो। सो एंड वन मोर थिंग, लाइक वेन वी आर डूइंग ट्रेडिंग, लाइक स्पेशली इंट्रा डे, दैट्स वेयर ओवर ट्रेडिंग हैपन्स एक्चुअली। You have to, what I, like I also do intraday, but in a very small amount. What I do is I fix a certain amount of percentage loss or profit for the day. So I have made so much profit or so much loss, I quit for that day. No more trading for that day. Okay, my positional trade should go on, but no more intraday that day. Okay, sometimes it may happen. Once, okay, you said, okay, now it's time to quit as per my plan. But some scenario will happen in the market that you will be tempted to again enter. अरे ये तो लग रहा है, शॉर्ट ये तो जरूर होने वाला है, एंटर, दैट काइंड ऑफ अर्ज यू टू कंट्रोल समहाउ, बिकॉज इट हैपेंस, यू हैव मेड गुड प्रॉफिट, यू एंटर्ड, यू लॉस्ट दैट एंड यू लॉस्ट मोर। ओके, एंड अनदर थिंग इज सॉर्ट ऑफ ऑल नॉइजेस ड्रॉप, व्हाट एवर इज इरेलेवेंट टू ट्रेडिंग। व्हाट आई मीन बाय दिस इज, व्हेन यू आर ट्रेडिंग, यू कंसंट्रेट ऑन योर ट्रेडिंग, यू हैव ऑन योर टेक्निकल चार्ट, योर डेटा पॉइंट्स, व्हाट एवर, but don't be so much bothered about what's coming on TV. Don't switch on the TV loud volume and CNBC or Bloomberg or whatever and try to trade, or you are in middle of like you some activity and you are, and the sly you are try to you know, do some trade. Don't do that. That way sure shot you will not be able to focus on your trade and it will cause loss. And any trade methodology that we are following, that must be back tested with technical analysis faithfully. Actual scenario mein paper trade nahi, actual scenario mein karna hai paper trade, theek hai, only to a limited extent, but I would still recommend do paper, do a real trade with real money, maybe one lot, that's fine, but do with real money for some time and see the max drawdown, be aware of that. And try to keep your max drawdown in single digit, okay? Not in double digit, but single digit. See, if you keep it in single digits, then it's easier to manage, okay? Other thing is, people really get excited with the trading. They look at some chart pattern, they look at this, look at that, chart no baje aake chalo josh ke saath baith jana hai aur chart karna hai, aisa nahi karna hai. As far as possible, try to make your trading as boring as possible. Don't make it excited. When you make a gain, don't try jump around, or when you make loss, don't cry around. For example, at the end of the day, when you meet someone, it should be such a way that nobody should be able to make out that day you have made loss or profit. Okay, then only you can be said that you are a steady trader or successful trader. Okay, and yes, sometimes don't feel bad to keep your capital idle. That is also a part of the strategy. So sometimes you are not getting any signal to enter or something, don't feel bad, just wait, because us samay fir thoda sa haath mein khujli hone lagta hai, fir ghusne ko koshish karte hain, fir us samay fir bada mistake ho sakta hai. To isliye kabhi kabhi trade na karna bhi ek acha trading decision hai. Okay, and journalize your trades, so which means that you record all your trades and analyze them. Okay, what went wrong, why did you lose there, you had made some gain, why did you lose that, and you can analyze end of the day or end of the week and sit down and see what has gone wrong, and if anything can be improved on that, please improve on that. So this way we can overcome our over trading and be on the road to be a successful trader. Maza aa gaya Sharad ji, maza aa gaya, itna honesty, itna simplicity, एकदम मतलब आपका प्रेजेंटेशन से एक चीज क्लियरली आ रही थी कि या एक चीज समझ में आ रही थी आपके प्रेजेंटेशन से थे कि जेन्युइननेस है पूरी एकदम, और यू रियली वांट पीपल टू अडॉप्ट दिस, एंड मैं क्या बोलूं, देखिए आई एम वर्ड्स शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, मजा आ गया मुझे. सर ये ट्रेड जर्नी में जाने से पहले काफी लोगों को थैंक यू मैं करना चाहता हूँ.
जी क्योंकि मेरा ये काफी लॉन्ग ट्रेडिंग जर्नी रहा है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे काफी लोगों ने मेरे लाइफ में आए, अनजान में मुझे कुछ ना कुछ हेल्प करके चले गए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ट्रेडर ही कैसे बना, यू नो, मैं ट्रेडिंग ही क्यों, फाइनेंस लाइन आया ही क्यों, क्योंकि एक हमारे जहाज में जो चीफ इंजीनियर होते हैं, एक चीफ इंजीनियर जब जहाज ज्वाइन किया तो उन्होंने एक मैगजीन लेकर आए थे। वो मैगजीन का नाम है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, अच्छा जो आजकल उसको आउटलुक इन्वेस्टर बोलते हैं, हाँ ठीक है। तो वो मैगजीन, वो पहला फाइनेंस मैगजीन है जिसको मैंने देखा और पढ़ा, उसी से फिर मेरे को इसमें इंटरेस्ट आया। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे किसी ना किसी तरह इसमें हेल्प किया है, तो उन सबको मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। और सेमिनार, मैंने किसका सेमिनार किया है, किया नहीं है, किसका फ्री वीडियोस भी देखा है, यूट्यूब वगैरह में काफी वीडियोस देखता रहता हूँ, फेसबुक में भी रहता हूँ, फ्री वीडियोस, फ्री सेमिनार्स, पेड सेमिनार्स, वो सब किया है। सब सब में से मेरे को कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, तो मैं वो सारे ट्रेनर, सारे मेंटर, सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। और सर, आपको भी, आपके चैनल भी मैं रेगुलरली वॉच करता हूँ। काफी बड़े बड़े ट्रेडर्स आए हैं उसमें, सक्सेसफुल ट्रेडर्स जो जिंदगी में बहुत कुछ किया है उन्होंने लाइफ में, उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिला है। मैं उन सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, चलिए, और थैंक यू आपके सो माध्यम मच. से मैं ये कह सका, इसलिए सबसे पहले आपको भी थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक थैंक यू सरद जी, यू सो थैंक यू मच। सो मच. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते. और दोस्तों, एक बात आपने देखी सरद जी की, वो कहीं पर भी ये नहीं बोल रहे हैं कि ये मेरा ट्विटर हैंडल है, ये मेरा यूट्यूब वीडियो है, ये मैं हूँ, कुछ नहीं. एकदम सिंपल, उनको पता है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ. और मैं उनसे एक्चुअली मांगू अभी नहीं कि आप ट्विटर में हैं, क्या आप ईमेल आईडी दे सकते हैं, कुछ नहीं. ऐसे सर, कुछ इनफैक्ट आपको बोलूं, मैं कोई सोशल मीडिया में नहीं हूं एक्सेप्ट व्हाट्सएप। वो तो खैर आप ही का रहना चाहिए, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, व्हाट्सएप आईडी आपका. बट अच्छा लगा सरद जी. लेट्स स्टे इन टच. एंड गाइस, प्लीज जितना लर्निंग हो सके इनके वीडियो से लीजिए, क्योंकि तो मुझे बहुत सीरियसली लगता है कि ये वीडियो भरा हुआ है लर्निंग से. और हो सके तो एक बार और देखिएगा, दो बार देखिएगा, तब एक्चुअली में पूरा एसेंस ऑफ एडजस्टमेंट्स एंड एसेंस ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको समझ में आएगा. थैंक यू सर, और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा इसमें, जो जी. हमने एडजस्टमेंट्स वगैरह देखा, सिर्फ वही एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें और भी काफी एडजस्टमेंट्स हैं। जी सो आई विल रिक्वेस्ट द व्यूअर्स टू एक्सप्लोर द अदर एडजस्टमेंट्स आल्सो। यस. तो वो तो देखिए कांस्टेंट जर्नी है, ये तो कभी भी एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता है. और फेस टू फेस में एक खास बात है कि हमने बहुत राइट, सारे इस तरह से इंटरेक्शन किए, लोग हमको मिले जो उन्होंने हमको ब्लेस किया है अच्छे कंटेंट से. तो ये एक एडजस्टमेंट का तरीका, सिंपल और इफेक्टिव. इसको अडॉप्ट कर लें तो एटलीस्ट अपना लेयर ऑफ जर्नी चालू कर सकते हैं. थैंक यू सरद जी, एंड लेट्स थैंक यू स्टे सो इन मच। टच. और बॉम्बे आता हूं तो मिलता हूं आपसे कभी. जरूर सर, जरूर। थैंक यू, थैंक यू. बाय थैंक बाय. यू सो मच।